ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। आओ बैठें बाबा के पास थोड़ी देर, उनके पास बैठकर थोड़ी सी बातें करके अपने मन को हल्का करें और नए दिन की शुरुआत करें। क्योंकि जब तक हम उनका सहारा नहीं ले लेते, हमें कोई मार्ग दिखाई देगा ही नहीं। तो आइए सबसे पहले अपने बाबा को, बाबा से हर बात जो हमारे मन में है, आइए उनसे कहकर उनसे ही सुझाव लेते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर सुझाव तो हमें कोई दे ही नहीं सकता। आओ बैठें अपने देवा के पास। कहते हैं कि परमात्मा के पास बैठो तो इतने गहरे भाव से बैठ जाओ कि ये आँखें उन्हें देखते ही भर आएँ, भर जाती हैं ना, आँखें भीग जाती हैं जब साईं से बात होती है। थोड़ी सी बात करने लग जाओ, आंखें अपने आप भर आती हैं। और जब ये आंखें भर आती हैं तो फिर आँखों से बात होती है, ज़ुबान तो चलती ही नहीं है, हम कुछ नहीं कह पाते, बस बाबा को देखते रह जाते हैं। और जब भी उनके पास बैठो तो उनसे हर वक्त यही कहो कि प्रभु, बाबा आप तो सब जानते हो, मेरे जीवन का एक एक पल, एक एक बात आपसे तो कुछ नहीं छुपाए प्रभु। हे देवा, मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि मेरी लाइफ में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ भी हुई हैं, लेकिन अब तो उन गलतियों की माफ़ी दे दो, अब तो मुझे माफ़ कर दो, एक जीने की राह और दिखा दो। क्योंकि जब तक आपकी कृपा नहीं होती, मुझे चलना भी नहीं आएगा। जब तक आपकी कृपा नहीं होती बाबा, मेरे पूरे परिवार को सुकून कहाँ से मिलेगा। हे प्रभु, हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण आप ही तो कर रहे हैं, यदि आप ही हमें राह नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बाबा हमें क्षमा करके हमें एक नई जीने की राह दीजिए। और हम सभी मिलकर जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि आपसे कुछ मांगना है या फिर आपको कुछ बताना है, हम प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आपका अनुभव होता है, हमें अच्छा लगता है आपसे बात करना, प्रार्थना करना और थोड़ी देर आपकी बातों में खो जाना। क्योंकि जब हम साईं से कुछ मांगते हैं, वो हमारी हर मुराद को पूरी करते हैं। ऐसा कभी नहीं कि बाबा ने अपने भक्तों को टाला हो। जो भी भक्त सच्चे दिल से अपने बाबा से कुछ भी मांगता है, बाबा किसी ना किसी माध्यम से उस तक हर वो चीज़ पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं, यदि हमारे भाग्य और हमारे कर्मों का हिसाब किताब सही है तो। तो इसलिए परमात्मा का होना ही तो आशीर्वाद है, उनसे कहाँ मांगना पड़ता है, उनके पास होना ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। कहते हैं ना, जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू अपने आप आने लग जाती है, मांगनी नहीं पड़ती। उसी प्रकार प्रभु के पास आने से कृपा अपने आप होने लग जाती है, बस उन्हें पकड़ कर फिर छोड़ना नहीं होता। एक बार पकड़ लिया फिर वो खुद ही आपको पकड़ लेंगे। और जिस दिन उन्होंने आपको पकड़ लिया ना, फिर दुनिया में आपको कभी भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आपको कोई डगमगा जाओ आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी सारी व्यवस्था फिर वो खुद करते हैं, और जब व्यवस्था ही मालिक कर रहा हो तो फिर फिक्र किस बात की, क्योंकि उन्होंने तो सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, बस उनके पास जाना है, उनके बताए रास्तों पर चलना है। बस बाबा हमें तो अपने चरणों से लगाए रखना, हमारा कर्तव्य इतना ही है कि उनकी रज़ा में राज़ी रहना। वो जो देंगे बेहतर देंगे, बेहतरीन देंगे, और हमारी सोच से कहीं अच्छा देंगे, जो हम सोच भी नहीं सकते उससे कहीं अधिक देंगे। तो हे देवाधिदेव बाबा, कृपा बनाए रखना, रहम नज़र करना अपने पूरे परिवार पर। और आप सभी अपनी परिस्थिति, अपना सुख दुख सभी साईं को सौंप दो। क्योंकि जितना हम जीवन भर सोच विचार कर नहीं कर सकते ना, उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। बस विश्वास दृढ़ होना चाहिए। ये जो इतने बड़े बड़े आप चमत्कार सुनते हो ना भक्तों के, ये झूठे नहीं होते, ये सच्चे होते हैं। बस उनके मांगने का ढंग हमसे कहीं बेहतर होता है। तो बस अगर उन्हें मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता, मिलेगा।
लेकिन लेने की चाह से नहीं मांगेंगे हम, तो साईं को मांगेंगे, क्योंकि जिस दिन बाबा हमारे पास हो गए ना, उस दिन कुछ मांगने की चाह ही नहीं रह जाएगी। क्योंकि कहते सच्चा भक्त तो वो होता है जो जितना मालिक दे उसमें संतुष्ट रहे। तो हमें सबसे पहले संतुष्टि होनी चाहिए हमारे अंदर कि जितना प्रभु ने दिया है उतना हमारे लिए पर्याप्त है, आगे वो जो देंगे वो अच्छा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी भाव के साथ आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं। अगर मेरे शब्दों में कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, मेरी आप पूरे परिवार से यही विनती है। तो चलिए अब हम लोग प्रार्थना के नाम, जिनके लिए भी प्रार्थना करनी है सच्चे दिल से, उनका नाम साईं चरणों में रखते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि जब भी हम साईं चरणों में नाम रखते हैं तो वो अर्जी बाबा ज़रूर स्वीकार करते हैं, साईं रहम नज़र करते हैं। और जब ये प्रार्थना का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर दिन में आपके पास समय रहता है तो आप एक बार बाबा का नाम जाप ज़रूर करें, साईं साईं का नाम जाप ज़रूर करें। और उस नाम जाप के बाद प्रभु से यही कहें कि प्रभु हमने जिनके लिए भी प्रार्थना की है बाबा उनका भला करना, उन पर रहम नज़र करना और उनके जीवन में खुशियाँ आ जाएँ, ऐसी कृपा करना। ठीक है, आपका 5 मिनट देवा के पास बैठना किसी की ज़िंदगी को संवार सकता है, तो क्यों नहीं, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना किसी के जीवन में खुशियाँ लाने की, बस ये छोटी सी कोशिश ही सही। चलिए तो आज की प्रार्थना के नाम अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ बाबा के चरणों में, आप भी मेरे साथ साथ सभी के लिए प्रेयर करना। तो आज की प्रार्थना के नाम है संजय बिंद्रो जी, चिंपू जी, सुनील छाछिया जी, हर्षित जी, सीमा दास जी, सौरभ सिंह जी, अखिल राणा जी, संजोग लांबा जी, कृष्णा नारायण जी, मौसमी पांडा जी, शिवानी जी एंड ऑल फैमिलीज। बाबा सभी पर अपनी कृपा करना, सभी के दुखों को हर के ख़त्म करके सभी के जीवन में खुशियों का आगमन हो मेरे मालिक, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। प्रार्थना भी है और विश्वास भी है कि आप हमारे लिए जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, आपसे बेहतर हमारे लिए और कोई नहीं कर सकता। इसलिए बाबा जिनको भी सेहत संबंधी परेशानी है उनकी सेहत ठीक करना, जिनको और भी अन्य कोई समस्या है, कोई और परेशानी है बाबा, उनकी समस्या का भी समाधान कीजिएगा, क्योंकि आपका किया हुआ सॉल्यूशन कोई नहीं काट सकता। आपने जिसको अपना बना लिया ना, फिर उसे दुनिया में कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अच्छा और सच्चा मार्ग दिखाइएगा और हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो संजय बिंद्रो जी पर बाबा कृपा करना, चिंपू जी पर कृपा करना, सुनील छाछिया जी पर कृपा करना, सभी पर रहम नज़र करना, सीमा जी पर कृपा करना, अखिल राणा जी पर रहम नज़र करना, संजोग लांबा जी पर कृपा करना देवा, कृष्ण नारायण जी पर कृपा करना, मौसमी पांडा जी पर रहम नज़र करना और शिवानी जी पर रहम नज़र करना। अब बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, हर्षित जी का बर्थडे है। हर्षित जी आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरे साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपका जीवन सदा खुशहाल रहे, जीवन में बहुत सारी खुशियां रहे और आपके जीवन में प्रतिदिन खुशियों का भंडार बना रहे, मालिक आपकी हर विश हर मनोकामना पूरी करें। सौरभ सिंह जी का बर्थडे है, सौरभ जी हैप्पी बर्थडे, साईं आपको भी सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे, आपके जीवन में आने वाला हर दिन बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, बाबा की कृपा से आपका हर सपना हर विश पूरी हो, मालिक आपको लाइफ में बहुत सक्सेस दे। और बच्चे श्रीनिवास आदित्य जी को बाबा श्रीनिवास आदित्य पर कृपा करना, बाबा उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, बच्चा लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत सक्सेस करे, लाइफ में उसकी बहुत आपकी कृपा से बहुत अच्छी हो, मेरी आपसे प्रार्थना है, बच्चा मेहनती हो और बहुत लगन से अपने हर कार्य को करे, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो चलिए अब इस प्रार्थना को कंप्लीट करने के लिए हमें पढ़ने हैं बाबा के 11 वचन और दिन में एक वक्त नाम जाप ज़रूर कीजिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि नाम जाप करने से आपके पाठ को अत्यधिक फल मिलेगा, हो सके तो दिन में एक बार बाबा के श्री चरणों में बैठकर, सुबह नहीं तो शाम को, शाम नहीं तो रात को, जब भी सोने से पहले आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाबा से बस ये कहना कि प्रभु मैं क्या ही बताऊँ, आप अपने मन की बात कहना, आप को पता है कि साईं को क्या कहना है, तो अपने मन की बात बाबा से कहकर
शुरू कीजिएगा और उनसे कहकर ही कंप्लीट कीजिएगा, देखना आपको क्या फल मिलता है, फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि वो सब कुछ सुनता है। उसने नहीं सुना तो कोई नहीं सुन पाएगा। आप मेरी बात मानकर कहिएगा, देखिएगा लाइफ कैसे बदलती है। तो आइए अब मेरे साथ मिलकर आप 11 वचनों का पाठ कीजिए। आइए मिलकर एक साथ उदी के साथ 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज की प्रार्थना बाबा के आशीर्वाद से कंप्लीट होती है, संपूर्ण होती है। बाबा आप सबको सुखी रखें, खुश रखें, हेल्दी रखें और हैप्पी रखें। मेरी तो बाबा से यही प्रार्थना है। तो चलिए दिन में एक बार नाम जाप ज़रूर करना, ठीक है? तो चलिए बहुत जल्दी सुख के दिन भी आएंगे। ये सारे दिन जो हमारे दुख के हैं, जो हमारी परेशानियों के हैं, ये सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और सुख के दिन आएंगे, ठीक है? बाकी परेशानियों से कभी डरना नहीं, आप साईं के बच्चे हो, साईं के बच्चे थोड़ी ना डरते हैं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।